कहाँ जाने? आग लगी है, आग की लपटें देखो, आसमान छू रही है, लगता है आज छावनी पूरी खाक हो जाएगी। अरे मैं भगत का उबे रहा, आग आटो क्या तंडली पजे विजवा चला। हम यहाँ से एक कदम भी हिल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिवा निगरानी के दूसरा काम करने का हुक्म नहीं है। ठीक है, हमें उल्लू समझता है युवराज, हम यही ठहरेंगे। पूर्ण एपिसोड पहा Z5 पर। इतनी आग, इतनी बड़ी लापरवाही, क्या मुल्ला ये? हुजूर ये लापरवाही नहीं है, ये सबसे बड़ी साजिश थी। किसकी साजिश है ये? ये संभा की लोगों की साजिश थी। संभा के लोगों की साजिश? हुजूर मैंने उनको आग लगाते हुए अपने आंखों से देखा है। मुल्ला, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। पक्का साहब सलाह कहीं करा? आइए हुजूर, आइए, ये देखिए नमक हराम भी शामिल था। मुझे मारने आया था मुल्ला अहमद को, मैंने उसे मार दिया। संभा को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस कारदामी की सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं छोड़ूंगा संभा मैं तुझे, ये रात तेरे लिए आखिरी रात होगी। नहीं छोड़ूंगा मुल्ला मैं संभा को। आग आग, भागो भागो, जल्दी भागो। तुम्हारे पहरेदारों का क्या हश्र किया है? क्या हुआ? या अल्लाह, इसका मतलब हुजूर संभा भाग गया। या मेरे खुदा, हुजूर आप कैसे पकड़ेंगे उसे? पकड़ेंगे मुल्ला, उतर जरूर पकड़ेंगे। फौज को खबरदार कर दो कि कुछ भी हो जाए संभा भागना नहीं चाहिए। चलो, संभा अगर भागा होगा तो इसी नक्शे के मुताबिक। बिल्कुल, लेकिन किस रास्ते से? अगर संभा इस रास्ते से गया है तो कुछ ही दूरी पर बुरहानपुर से आई फौज मौजूद है। मैं काम करो, अपने जासूस भेजकर उन्हें खबर करा दो। बिल्कुल हुजूर। और एक बात हुजूर, इस फौज के साथ हमारे बहादुर खान साहब भी हैं। वाह तो मुल्ला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहादुर खान उसे रास्ते ही में रोक लेगा। लेकिन हुजूर, ये नक्शा तो संभा के हाथ लगा ही नहीं था, उसके पहले ही आपने हथियार लिया था। हाँ मुल्ला बिल्कुल। फिर क्या संभा इस रास्ते से भागा होगा? यहाँ से? अगर यहाँ से भागा तो बहुत ही अच्छी बात है मुल्ला अहमद। वो कैसे हुजूर? वो ऐसे मुल्ला अहमद कि यहाँ तो हमारे पठानों की चुनिंदा फौज गश्त पर है, अगर वो उधर से गया तो समझ लो मौत के मुंह में गया। सुभान अल्लाह। एक काम करो मुल्ला अहमद, कुछ सिपाही लेके तुम उसका पीछा करो।
जी हुजूर। हाँ रुको मुल्ला। हुजूर याद रखना, घोड़ों की टापों की आवाजें वो सुन ना पाए। अगर उसने घोड़ों की टापों की आवाजें सुन ली तो कहीं छुप कर बैठ सकता है और फिर उसका मिलना मुश्किल है। लेकिन हुजूर पीछा तो करना पड़ेगा, ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा। अरे ज्यादा दूर कहाँ जाएगा, उसकी बहन जो उसके साथ है। ओ, रानो अपा। हाँ अपनी बहन को लेकर कहाँ भागता फिरेगा, पकड़ा ही जाएगा वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह संभाजी छावनी से भाग गया है। क्या संभाजी छावनी से भाग गया? जी हुजूर, इस बार संभाजी आ सकता है, यहाँ से सराज के सीमा पास है। हमारा नाम इखलास खान है, हमारी इजाजत के बिना चीटी भी नहीं जा सकती है, तो फिर संभा कैसे जाएगा? चलो। घाबरू नका, हम ही आहूं। हम भी हैं। त्या मावळतीला शंभू राजासनी इखलास खाननी गाठलं। अरे देवा, धुमश्चक्री चालले हे चौघे जण आणि इखलास खान। बस आता काही सांगू नको, चल लवकर, आपल्याला तातडीनं जावं लागल। युवराजासनी निरोप पोहोचवण्यात लय मोठी कपलत झाली। चल वे दौडू नका, आमच्यापेक्षा तुमची सुरक्षा जास्त महत्त्वाची आहे। तुम्ही निघा,
आम्ही थांबतो, आम्ही आमच्या परीने गनिम थोपून धरतो. मग आपण सगळेच थांबू, लढू आणि मरू. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कसं जायचं तर सगळ्यांनी जायचं आणि थांबायचं तर सगळ्यांनी थांबायचं. तांबड फुटत आलाय. आपण दिलेर खानाचं गस्तीचं एक पथक कापून काढलंय, त्यामुळे आता समोरून कुणी आडवं येईल याची शक्यता नाही. आलाच तर स्वतः दिलेर खान मागच्या बाजून, पण त्यालाही एव्हाना आपल्या हुलस्वरांनी हुल दिली असेलच, त्यामुळे त्यालाही यायला थोडा अवधी आहे. अक्कासाहेब थोडी विश्रांती घेता येईल. धनी, इथं पाणी आहे, थोडं पाणी पिऊन ताजतवानं होऊया. ठीक आहे, तोपर्यंत घोडे घेऊन बहिरजी काका पोचतीलच. अक्कासाहेब किंभर विश्रांती घ्या. ज्योत्याजी, बहिरजी काका. अजगत होऊन सुद्धा बहिरजी काकाने गाठलंच आपल्याला. वा बहादर, जा त्यांना इकडेच घेऊन. देवराज, अक्कासाहेब आता तुमची काळजी मिटली. आता आपल्याला स्वराज्यात जाण्यापासून कोणीच रोखू शकत नाही. अक्कासाहेब, अक्कासाहेब चला. शंभूराजे, अब मुल्ला अहमद को तुम धोखा नहीं दे सकते. देखा बुराजे, अब तुम्हारी बाजी खत्म. शंभूराजे, बहुत हो गया आप खेल. अब चुपचाप हमारी पनाह में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी अक्का साहब जिंदा नहीं बचेगी. मुल्ला, बस हो गया शंभूराजे, हमारी पनाह में आ जाओ, घुटने पर बैठ के आ जाओ, वरना ये मुल्ला अहमद की तलवार काम कर जाएगी और आपकी अक्का साहेब शंभूराजे आपकी वजह से. सोचो शंभूराजे, सोचो. नहीं दादा साहेब, मागे फिरा या तीर दमडी चला शरण येऊ नका. जा तुम्ही स्वराज्यात निघा.
माझ्या बहिणीचा अपमान केलायस तू. माफी मागतो. माफी. तुझ्या सारख्यांसाठी हा शब्द आमच्या समशेरीला ठाऊक नाही. युवराज युवराज मैं मानता हूँ मैं झूठा हूँ मैं मक्कार हूँ गलती हो गई हूँ युवराज मुझे मुझे माफ कर दो युवराज. दादा साहेब सोडा त्याला पुढे चला. नाही अक्का साहेब यानं तुमच्या मानेला तलवार लावण्याची हिम्मत केली. छत्रपतींच्या मुलीच्या मानेला ज्या छत्रपतींनी मोगलांच्या स्त्रियांना सुद्धा आईचा दर्जा दिला त्या छत्रपतींच्या मुलीकडे बघण्याची याची ही भावना. अक्का साहेब यानं तुमच्या मानेला तलवार लावली ना आम्ही याचा हात कलम करणार. आधी हात मग मस्तक. मस्तक थोड़ा वेगळं होईल. रैम रैम युवराज रैम मेरी जान को भक्ती दी है मुझे चिंता रखी है. दादा साहेब तू जिवंत राहायला पाहिजेस. दिलेर खानाला हे सांगायला जिवंत राहायला पाहिजेस की स्वराज्याचा छावा स्वराज्यात परत केला. मेरी जान को भक्ति दी है मुझे चिंता रखी है. तू जिवंत राहायला पाहिजेस. दिलेर खानाला हे सांगायला जिवंत राहायला पाहिजेस की स्वराज्याचा छावा स्वराज्यात परत केला. युवराज. दादा साहेब गेला होता मग का परत आला? का असा स्वतःचा जीव धोक्यात घातला? तुमच्यासाठी. दादा साहेब. अक्का साहेब तुम्हाला काय वाटलं? तुम्ही जा म्हणालात आणि आम्ही निघून जाऊ. तुम्ही जा म्हणालात म्हणून बहिणीला सोडून जाणार आहोत आम्ही. अक्का साहेब अहो तुम्ही आमच्या जीवाला जीव देता आणि तुमचा जीव धोक्यात असताना आम्ही जीव वाचवून पण. दादा साहेब पण आता जीव वाचवून पळणं हेच महत्वाचं आहे. जे काही पळायचंय ते आता पळू. काय बहिरजी काका? होय. ती ही वेळ न दवडता घोडी दौडली पाहिजेत. चौटाप. चला काय करा आता. चला रस्ता दाखवा. होय. पर आता दिलेर खानाला गुंगारा दिला पाहिजे. या माझ्या मागा मागा. खर तर आतापर्यंत आपण स्वराज्याच्या सीमेत असायला पाहिजे होत. चला हुआ मुल्ला. ये तुम्हारी हालत किसने बनाई? हुजूर संभा ने जे हुजूर देखे कितनी बेरहमी से मेरा हाथ काट गया. हुजूर छोड़िए नहीं उस कापर को. सबक सिखाइए. कहाँ है संभा? संभा भाग गया. हुजूर भाग गया? किस तरफ भागा है वो? किस तरफ? हमने पूछा किस तरफ भागा वो? चलो हुजूर मुझे साथ ले चलो. हुजूर हुजूर मुझे भी साथ ले चलो. हुजूर ले चले मुल्ला अहमद.
तुम्हारा तो हाथ कट चुका है मुल्ला अहमद, अब तुम्हें ले जाकर हम क्या करेंगे? हुजूर ऐसा मत कहो, मैंने आज तक आपकी आपकी बहुत खातिरदारी की हुजूर, तुझे साथ ले चलो। हम मानते हैं मुल्ला अहमद कि तुमने हमारी बड़ी खिदमत की है, हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ कटा सिपाही और लंगड़ा घोड़ा दोनों किसी काम के नहीं होते। कसम, हमारे तुम किसी काम के नहीं रहे। कसम, ये क्या कह रहे हो? मुलायमत कहावत है, जो हार जाता है वो मर जाता है। तुम मरना होगा मुलायमत। रहम करो, दिलेर खान का आखिरी सलाम मुल्ला अहमद। नहीं हुजूर। खुदा हाफिज। मरो। दादा साहब, ये तो अक्का साहब आशीर्वाद दे। सुखी रहा। गड़ावर भेटू, काहीही झालं तरी गनिमाच्या तावडीत सापडू नका। नाही सापडणार, तुम्हाला माहितीये ना आमच्या अंगठीत जहर आहे ते। अक्का साहेब, तुमच्या अंगठीत जहर नाही। म्हणजे? आम्ही केव्हाच काढून घेतलंय ते। कधी? जेव्हा तुम्ही आम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं अंगठीत जहर आहे म्हणून, तेव्हाच आम्ही काढून घेतलं। पण अक्का साहेब, आम्ही जिवंत असताना आमच्यात काय, पण कुठल्याही बहिणीवर जहर खायची वेळ आली तर आमचा काय उपयोग, स्वराज्याचा काय उपयोग? त्यामुळं त्या भ्रमात राहू नका, लवकर निघा आणि सुखरूप पोहोचा। दादासाहेब, आम्ही असेच आहोत। या ज्योतिजी, रायप्पा, तुमच्या विना अधुरे आहोत आम्ही, काळजी घ्या। भजी काका, सांभाळून जा। छावा स्वराज्यात परत, हिम्मत असेल तर रोखून दाखव। कहां गया होगा? और ये हम लोग कहां जा रहे हैं? आगे तो बीजापुर है, मराठी सेनापति हंबीरराव का इलाका, कहीं संभा हमारे साथ कोई चाल तो नहीं खेल रहा है, जैसे शिवाजी राजे खेल चुका है? नहीं, और संभाजी राजे अकेला कैसे जाएगा? हाँ, इसकी बहन तो यही है, यही है। चलो खानाच्या छावणीवर भयंकर रणकंदन करून शंभूराजे राणू हक्कांसोबत बाहेर पडले। काय? दिलेर खानाच्या हातावर तुरी दिली। दिलेर खान जीवाच्या आकांतानं त्यांचा पाठलाग करू लागला, पर शंभूराज सुखरूप इजापुरी पोहोचले। शाबास जगदीश्वरा,
आमचं गाराणं ऐकलास. दिला शब्द खरा केला युवराजांनी. धातुश्री, आता एक मण तेल देवीच्या दीपमाळेसाठी. एक मण काय, दोन मण तेल बाहू. आमची लेकर सलामतीनं बाहेर पडली. बत्तशबाई कशा आहेत? खूपच दगदग झाली असेल त्यांची. काय झालं? राणूबाई कुठे? महाराज, पुढं सांगाय जीव रेटन. स्पष्ट सांगाव. घात झाला महाराज. शंभूराजे इजापूरच्या दिशेनं गेले दिलेरखानाला सकवण्यासाठी. राणू अक्कासाहेब मेण्यातून पन्हाळ्याच्या दिशेनं निघाल्या होत्या. पर पूर्ण एपिसोड पहा Zee5 वर.